नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में ट्रेनों को लेकर। कई ऐसी ट्रेनें हैं जिसको कि रेलवे की तरफ से कैंसिल कर दिया गया है। रेलवे में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई तरह के कार्य किए जाते हैं, जिससे कि यात्रियों को किसी तरह की कोई खास परेशानी ना हो, उनकी यात्रा भी बेहतर बनाया जा सके। ऐसे में पूर्व मध्य रेलवे ने उत्तर बिहार से गुजरने वाली आधा दर्जन से अधिक ट्रेनों गुरुवार को रद्द कर दिया गया। इसके पीछे जो है तर्क ये दिया गया है कि उसमें इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है, जिसके कारण जो है पटरियों को सुदृढ़ किया जा रहा है, पटरियों को बेहतर बनाया जा रहा है, ताकि जो है आम लोगों को किसी तरह की कोई समस्या ना हो सके। बता दें कि रद्द होने वाली कई ऐसी ट्रेनें हैं जो कि महानगरों से होकर आती है, कई शहरों से होकर गुजरती है। तो आइए हम जान लेते हैं वो कौन कौन सी ऐसी ट्रेनें हैं जिसको कि रेलवे की तरफ से रद्द कर दिया गया है। गाड़ी संख्या 15204 लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस रद्द रहेगी, यानी कि ये जो रद्द ट्रेनें हैं वो आज के लिए रद्द की गई। गाड़ी संख्या 14673 जयनगर से खुलने वाली जयनगर अमृतसर शहीद एक्सप्रेस आज के दिन रद्द रहेगी। इसके बाद गाड़ी संख्या 15708 अमृतसर से खुलने वाली अमृतसर कटिहार एक्सप्रेस आज के दिन रद्द रहेगी। गाड़ी संख्या 15274 आनंद विहार रक्सौल सत्याग्रह एक्सप्रेस आज के दिन रद्द रहेगी। गाड़ी संख्या 15212 अमृतसर दरभंगा जयनगर एक्सप्रेस आज के दिन रद्द रहेगी। गाड़ी संख्या 12203 सहरसा से खुलने वाली सहरसा अमृतसर गरीब रथ एक्सप्रेस आज के दिन रद्द रहेगी। गाड़ी संख्या 12204 अमृतसर से खुलने वाली अमृतसर सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस आज के दिन रद्द रहेगी। गाड़ी संख्या 12558 आनंद विहार मुजफ्फरपुर सप्त क्रांति एक्सप्रेस आज के दिन रद्द रहेगी। नई दिल्ली से खुलने वाली 12566 नई दिल्ली दरभंगा बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस आज के दिन रद्द रहेगी। भागलपुर से खुलने वाली गाड़ी संख्या 15097 भागलपुर जम्मू तवी अमरनाथ एक्सप्रेस आज के दिन रद्द रहेगी। गाड़ी संख्या 02564 नई दिल्ली से खुलने वाली नई दिल्ली सहरसा क्लोन एक्सप्रेस आज के दिन रद्द रहेगी। गाड़ी संख्या 02570 नई दिल्ली दरभंगा क्लोन एक्सप्रेस आज के दिन रद्द रहेगी। जिस तरह से देश में पिछले कुछ दिनों से रेलवे के द्वारा ट्रेनों को कैंसिल, डाइवर्ट या फिर रिशेड्यूल करने की खबरें जो है मीडिया की सुर्खियां बनी रही, उसके पीछे अलग अलग कारण होते हैं। हर दिन रेलवे हजारों ट्रेनों का संचालन करता है, ऐसे में रेलवे की पटरियों की समय समय पर देख रेख भी जरूरी है। ऐसे में कई बार पटरियों की मरम्मत करने के लिए ट्रेनों को रद्द, रिशेड्यूल या फिर डाइवर्ट करना पड़ता है। जिसके अलावा खराब मौसम के कारण भी ट्रेनों को रद्द करना पड़ता है। कई बार किसी राज्य या फिर शहर की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी ट्रेनों को रद्द करना पड़ता है। ऐसे में यात्री रेलवे स्टेशन निकलने से पहले रद्द ट्रेनों की लिस्ट जरूर देख लें, ताकि उन्हें यात्रा के दौरान किसी तरह की परेशानी ना हो। यात्रा के लिए जब वह स्टेशन पर पहुँचे तो उन्हें पता चले कि उनका ट्रेन जो है वो रद्द कर दिया गया है। ऐसे में यात्रा से पहले आप एक बार ज़रूर अपनी ट्रेन को देख लें, क्योंकि इन दिनों रेलवे जो है पटरियों को बेहतर सुरक्षा और पटरियों को बेहतर बनाने को लेकर कई तरह के काम जो है वो कर रहा है। ऐसे में आप जब यात्रा करने से निकलें तो ट्रेनों की एक बार स्थिति जरूर देख लें। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।